हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल? वड्डियां नूं राम राम, छोटियां नूं प्यार। हाजिर हाँ तुहाडे सामने फिर तो एक बार। मैं पापी बंदा स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल पे। होप करता हूँ सब मौज ले रहे होगे। मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। तो आज की ये वीडियो भी रहने वाली है बुलेट के ऊपर ही। बुलेट में दो तीन चीज़ें लगवानी थी, तो क्या क्या लगवानी है वो दिखाता हूँ, कहाँ से लगवा रहा हूँ वो भी दिखाता हूँ। तो होप करता हूँ एंजॉय करोगे, तो बने रहो वीडियो में, स्किप मत करना। एक ये लगवा रहा हूँ, ये एलईडी लाइट। एक ये है रॉड। ये दो छोटे पार्किंग बल्ब। ये मेरा भाई यहाँ फिट कर रहा है। एक बारी दिखा दियो यार लाइट का। ये लाइट है गाइस, तो अभी दिखाता हूँ आगे फिट करते हुए भी। और ये रॉड में स्पेशल चीज़ भी है, वो भी बताऊँगा आपको आगे। और इसकी डिटेल दे दूं, ये देख लो, 75 वॉट की है, 30,000 आवर, 50% लाइव, ये वो जो भी है ये डिटेल। इससे अपने को मतलब नहीं, 75 वॉट की है और डिज़ाइन पसंद आ गया था। और मेड इन कहाँ की है वो आप समझ ही जाओ। ये वही शॉप है जहाँ से मैंने वो विस्सल लगवाई थी। ये लगी हुई विस्सल, ये BS4 का लगा हुआ है। इसको भी उतरवा के BS3 का करवा रहा हूँ। ये आ गया BS3 का। इसमें ये ऑन ऑफ वाला है पार्किंग, ये ऑन ऑफ वाला। कौन सी कंपनी का है ये? मिंडा जेनुअन का। ये BS4 BS6 में आता है, ये BS3 तक आता था ये ऑन ऑफ वाला बटन। वैसे ये अलाउड नहीं लगवाना इनमें, लेकिन कौन चेक करता है इतना? क्यों, क्या नाम है भाई आपका? शत्रुघ्न सिन्हा। शत्रुघ्न सिन्हा, अरे वाह, खामोश। अभी नहीं है, 28 तारीख तक, अभी एक महीना। एक ये ब्लैक वाला पार्ट चेंज करवा दिया मैंने, ये लेके। ये मैंने टेपिंग करवा रखी थी पहले, तो ये ऐसे गैप आता तो ये सिल्वर सिल्वर दिख रहा था बीच में से, तो अब ये पूरा प्रॉपर ब्लैक पेंट हुआ हुआ है। ये दोनों सेम ही लग रहे हैं, ये टेपिंग वाला है और ये पेंट वाला है। तो कुछ ये इतना गैप नज़र आएगा ही, क्योंकि वो लाइट का पीछे बैक है ना, वो पूरी अंदर जाएगी नहीं। हाँ जी दोस्तों, जैसा आपने देखा, एक हेडलाइट लगवाई है, एक रॉड लगवाई है। तो दिखाता हूँ क्वालिटी कैसी है। बाकी असली हेडलाइट का तो मज़ा नाइट में ही पता लगेगा, लेकिन अभी देख लो एक बारी कैसी लग रही है कैसी नहीं। We'll be right back.
तो एक तो ये हेडलाइट लगवाई है, ये दो ऊपर ब्लू वाले पार्किंग बल्ब लगवाए हैं, एक ये रॉड लगवाई है, एक ये ब्लैक पेंट वाला कवर लगवाया है ताकि अब ये गैप के अंदर वो पहले सिल्वर सिल्वर दिखता जैसा इसमें दिख रहा है ना, ये सिल्वर सिल्वर दिखता। अब इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है, इसमें अपना ब्लैक ही दिख रहा है। इतना गैप तो आएगा ही आएगा क्योंकि ये हेडलाइट पूरी अंदर नहीं जा सकती ना, क्योंकि ये मीटर भी लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये मीटर नीचे तक है तो ये पूरा घुसेगा नहीं। एक ये ऑन ऑफ वाला बटन लगवाया है, BS3 वाला हेडलाइट इसी से जलेगी, इससे ही बंद हो जाएगी। बाकी ये सेल्फ है, ये प्रॉपर वर्क कर ही रहा है। और इससे अब मैंने पहले इससे हेडलाइट थी, अब इससे क्या सीन करवाया मैंने, ये देखो इसको ऑन करा, एक इंडिकेटर ऐसे कर दिया, अब देखो अब ये चारों इंडिकेटर और दो ये हेडलाइट में ये जलती रहेंगी। जैसे आप कहीं लॉन्ग टूर पे जा रहे हो हाईवेज वगैरह पे तो ये आपको हेल्प करता है, ये हेल्प करेगा आपको लॉन्ग रूट्स पे, जब जैसे फोग है, अब आगे सर्दियां आ रही हैं तो धुंध पड़ती है, तो उसके अंदर ये आपको हेल्प ज़रूर करेगा। बाकी अपना अपना टेस्ट है, करवाना चाहो करवाओ, नहीं करवाना चाहो आपकी मर्जी। इंडिकेटर दूंगा तो वो सिंगल वाला ही जलेगा और इसमें एक जलेगा, और लेफ्ट वाला दूंगा तो उसमें नीचे वाला जलेगा। एक ये रॉड है आ रही की है, स्टेनलेस स्टील में है, जंग नहीं लगेगा इसके अंदर। और इसके अंदर जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया मैजिक है, एक क्या खास बात है इसके अंदर ये दिखाता हूँ। ये इसके अंदर प्रॉपर फिट है, इसके साथ ही लगा हुआ है, और ये इसके अंदर चला जाता है ऐसे, और इसको कस दो, मतलब पुलिस वालों को भी कोई शक नहीं होगा कि हाँ भाई इसके पास डंडा है या कुछ ऐसा। तो जैसा आपने देखा लगवाया है लेग गार्ड जिसके अंदर डंडा है, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बदमाश हूँ या गुंडा हूँ या मेरे को शौक है गुंडा बनने का, क्योंकि आजकल रोड रेज के मामले बहुत होते हैं, तो इस वजह से लगवाया है ये डंडा। रात को ज़्यादा शरारती तत्व तो घूम रहे होते हैं बाहर, तो इस वजह से। तो चलो इतना ही था इस ब्लॉग में, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, माँ बाप की इज्जत करो, अपनी उम्र वालों का साथ दो और छोटों को प्यार करो, बस टेक केयर, जय हिंद। हाँ जी भाई दोस्तों, कहाँ जा रहे हो, पहले ये नाइट व्यू तो देखते जाओ, दिन का तो दिखा दिया मैंने आपको, अब इस समय नाइट व्यू दिखाता हूँ। और ये बाइक की लाइट नहीं है, ये मतलब मोबाइल की फ्लैश जला रखी है मैंने, अंधेरे में खड़ा हूँ ना इस समय, तो मेरे साथ एक मेरा भाई भी है तो उसको कहता हूँ लाइट जलाए, फिर दिखा रहा हूँ आपको। ये है सन्नी महाराज, हाय कर दे भाई, चल कर दे बाइक स्टार्ट कर। तो ये तो परमानेंट जलते ही रहेंगे जैसे ही बाइक स्टार्ट होएगी, तो अब ये हेडलाइट जलाते हैं, जलाइयो भाई। ये हाई बीम है लो बीम है, ये हाई बीम है, पहले लो बीम पे करियो, ये देखो जी ये थ्रो है, ये हाई बीम है, ये लो बीम है, थोड़ी वहाँ से भी रोशनी पड़ रही है तो इस वजह से कम है, ये हाई बीम है, हाई बीम पे ज़्यादा वो है और लो बीम कम है। और वो कर दिखा दियो इनको इंडिकेटर जो मैंने कराए हैं, किसी भाई ने करवाने हो तो अपने, ये इंडिकेटर करवाए हैं।
ये रात में ही बेनिफिशियल हैं आपके लिए, जैसे आप कहीं हाईवे पे जा रहे हो गुड़गांव नोएडा नौकरी करते हो या कहीं लॉन्ग ट्रिप पे जाते हो बाइक वाइक लेके, तो उसमें आपको ये सही रहेगा।